और जनाब आज ईद का दिन शुरू हो गया है तो हम भी तैयार हो गए हैं, तो कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, हर तरफ तैयारियाँ जो है वो रुझ पे हैं, तो हर तरफ पकड़े जो है वो चलो हम भी घर को बंद करने जा रहे हैं, हम भी तैयार शार हो गए हैं, आपको कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, नमाज तो हो ही गई है तो अब तो हमने कहा कपड़े ही पहन लिए। तो हमने जो इस दफ़ा जो ईद के लिए कलर चूज़ किया वो लाइट कलर चूज़ किया क्योंकि गर्मी बहुत थी, गर्मी की वजह से डार्क कलर में ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो मैंने कहा इस दफ़ा लाइट कलर ही हो क्योंकि डार्क कलर में मुझे खैर मज़ा नहीं आता, हर एक अपनी चॉइस अपनी पसंद है। तो मैंने जो इस दफ़ा अपना कपड़े सिलवाए तो ये हैं लाइट कलर के शॉर्ट मिले और लाइट थी कप्तान चप्पल है। और ये जो कप्तान चप्पल है ये मेरी हर दफ़ा की हर दिन हजी चप्पल है क्योंकि मैं हर दफ़ा जब भी लेता हूँ कप्तान चप्पल लेता हूँ गर्मियों में तो सर्दियों में बूट शूट लेता हूँ, तो क्योंकि ये इमरान खान की पसंद है तो खान क्या बोला तूने आपकी कॉपी करता हूँ क्योंकि मेरी सर जो फेवरेट सेलिब्रिटी हैं वो खान साहब हैं तो उसकी वजह से उनकी कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करनी भी चाहिए अपनी पसंद सेलिब्रिटी क्योंकि खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो एक फेवरेट पर्सनैलिटी है, इस वजह से मैं भी थोड़ी बहुत उनकी कॉपी करता हूँ। भाई मज़ा आया ये जनाब मोहम्मद भी तैयार हो गया वाइट सूट पहन के, ये मोहम्मद साहब भी तैयार हो गए, इधर देख मोहम्मद, अरे मोहम्मद मोहम्मद मिरेकल 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 और यार सब कोई मुबारक तो कर दो मैं तो रहन दो फिर किधर जा रहे हो किधर जा रहे हो अरे मैं ये शान साहब तैयार हो गए जनाब, तो ये देखें तैयारियां शैरियाँ रूज पे हैं। यार तुमने अभी शूज नहीं पहने हैं, शूज नहीं पहने, ये शान है जी, ये रात को रो रहे थे इनको काशी डलवाने इनके साथ प्रैंक किया, मैंने सच समझ लिया था लेकिन वो सच नहीं था। आप शादी शादी हो गई है तो चलते हैं, उसके बाद ये देखें मन अपनी शारों तफरी बना रहा है, आप तैयार श्यार हो गए बैठ गया, हर चीज़ से पंगे इसने लेने होते हैं, हर चीज़ इसने छेड़नी होती, कोई ये घर की ऐसी चीज़ नहीं है जिस जो ये उसके साथ पंगेबाजी ना करे तो उसको सुकून नहीं आता, तो बड़ा अजीब बच्चा है। तो अब देखिए वो पंखे की तरफ जा रहे हैं, पंखे गैस जा रहे हैं, अब इसको ये करेगा तपाई करेगा इसके साथ कुछ ही गिराएगा, बड़ा डर लगता है कि कहीं बटनों में स्विचों में ना आते थे या बाहर ना निकल जाए सीढ़ियों से नीचे ना गिर जाए, अब ये देखें दराज पड़ेगा चेक करेगा कैसे क्या यार अफलातून बच्चा है अफलातून ये है जारू, ये भी तैयार हो चुका है जरा पूरा पूरा आपको दिखा रहे वैसे कल इनके साथ प्रैंक किया, इनकी शिकार की रात को आ गई थी भाई टेलर ने भेज दी थी, तो खैर उसने भेज दी थी ये राश है यहाँ अभी इसने ना पहन ये अभी तो गुलाब साहब देखता है और ये रहा मोहम्मद मिरेकल 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 और ये रहे मरता है कि
A few moments later. रिवायत के मुताबिक जनाब खीर बन चुकी थी, तो हमने कहा कि टेस्ट कर लेते हैं, तो हमने जनाब खीर टेस्ट कर रहे हैं, ये देखें कितने मज़े की बनी है। तो हजब रवायत ईद के मुतासर के बारे में, ईद मुबारक, ईद चले चलो। अब जा रहे हैं जी कुर्बानी करते हैं गाँव अपने होम टाउन, तो उधर कुर्बानी करेंगे, तो गसाई और बकरे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो चले। हाँ भाई कम, आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जनाब, तो इस जल्दी जल्दी ऑन करते हैं और इसको ऑटो से हटा देते हैं, गर्मी बहुत है भाई, अल्लाह अकबर। और जनाब हम हर बार की तरह इस दफ़ा भी घर से लेट जा रहे हैं, और ये बहुत ही शुदा काम है क्योंकि हमें कल ही घर चले जाना चाहिए था, लेकिन हर बार की तरह आज भी हम लेट जा रहे हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है भाई, ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो औरतें हैं बच्चे हैं ये लेट कर देते हैं, ना कोई उधर मिलने आता है इस वक्त, ना कोई और गपशप करने आता है, क्योंकि सुबह ईद होती है, जो हमारे हमसाय में मस्जिद है उसमें ईद पड़ी जाती है, तो बंदा उधर अपने घर पे ना हो तो फिर क्या लोग कहेंगे कि यार ये कैसे लोग हैं यार, तो ये क्या करें यार, हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमें चस्का पड़ गया है इधर रहने का, आराम से उठने का, आराम से काम करने का, फिर जो ना आराम से जाने का, हर सफ़र ही जो हमारा है ना वो 12 बजे शुरू हो जाता है और रात के 12 बजे एंड होता है, ठीक है भाई, और रात के 12 बजे से ऊपर भी चला जाता है कभी कभार। One hour later. तो जनाब हम आ गए हैं अपने होम टाउन, और बड़ी पुरसकून जगह है, बिल्कुल खामोशी सुकून, गर्मी तो खैर है ही है तो सुकून बड़ा है, बस इधर नेचुरल एटमोसफियर है, चिड़ियों की चहचहाट और कुदरती एटमोसफियर जिस तरह कहते हैं, और देसी टच बिल्कुल। जबरदस्त सुकून जगह है भाई, इधर हम कुर्बानी करेंगे जनाब, अब गोश्त बनाने कसाई शुरू है, एक बकरा उन्होंने गिराया हुआ है हमसे पहले ही, तो अब इसके बाद हमारी बारी है इंशाल्लाह, बकरे जमा करवाएंगे। हां भाई क्या लड़ाई है, कुछ है कौन है हैं, ये है जनाब हमारा ड्राइंग रूम, चस है बाबा चस। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, मिलते हैं जनाब अगले व्लॉग में, इन्नी तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के भाग।